एवरीवन, वेलकम टू अदर ब्लॉग ऑफ पेरेंटिंग गर्ल्स। आज यहाँ टीचर बना हुआ है और आज मैं आपको बताऊंगी व्हाइट बोर्ड के बेनिफिट्स क्या है। ये मेरा वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा चैनल में मोनेटाइज भी नहीं है। जस्ट मैं आपके किड को हेल्प हो और हमारे वीडियो कुछ आपके किड्स के लिए हेल्पफुल रहे और उनके साथ आप नॉलेजेबल टाइम स्पेंड करें, इसीलिए मैं ये डेली व्लॉग्स बनाती रहती हूँ बच्चों के कि कैसे खेलें। जैसे मैं और ऐश प्ले करते तो मुझे लगता है कि आप भी अपने किड्स के साथ ऐसे ही प्ले करें और इससे उनकी कोई ना कोई स्किल डेवलप हो, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। ओके, अब आपको एबीसीडी मेथड बताता हूं। आज यहां हमको पढ़ाएंगे एबीसीडी। ए, देखिए अंश ने ए लिखा। सी, आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत लाइट। ए फॉर एप्पल। और क्या? एंट। और क्या? ए फॉर एलिगेटर। और क्या? ए फॉर एनाकोंडा। ये क्या होता है? एनाकोंडा होता है ऐसे। ए फॉर आंट। आइस बॉल होता है उससे भी। ओके ओके, अब ये दूसरा लेटर पढ़ाइए। और योगा, योगा भी होता है। योगा तो वाई से होता है। और योगा मैट। योगा मैट भी वाई से होता है, मैट एम से होता है। अच्छा। तो इससे बच्चों के साथ अच्छा। आप गेम खेलेंगे ताकि अच्छा। उनके भी स्किल डेवलप हो। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप कोई चीज को लिख के करें तो कम्प्लीटली आपके माइंड में जाता है और आपका बच्चा क्लास में भी अटेंटिव होगा, उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा है। This letter is E. E. E से क्या होता है? E for elephant. और क्या? E for eagle. E for क्या होता है बता दो मैम। Aeroplane. Egg. Aeroplane. Aeroplane A for होता है। A for aeroplane. और क्या? Helicopter. Helicopter H for होता है। Ball. B. Ball भी, हाँ ball भी for होता है, आपने सही बोला। आपको शायद ब्लैक बोर्ड में देख नहीं रहा होगा व्हाइट बोर्ड में कि क्या लिखा है। ये अंडर 1000 रुपीज का बोर्ड है और इससे आप अपने बच्चे साथ काफी एंजॉय कर सकते हैं। जब आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करे तब अपने बच्चे किड को ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो टीचर को देखे और घर में भी आके परफॉर्म करे, तो इससे उसकी अटेंशन इंक्रीज होती है, स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ओ, ये तो आपने क्या बना दिया, लेडर? लेडर नहीं, ये है एस्केलेटर। नहीं, ये लेटर है, लेटर के जैसे। लेटर के जैसे है? हाँ। नहीं है। आप पिंक वाला कलर यूज कर लीजिए मैम, तो सबको दिखेगा। आप ये ना लाइट ब्लू यूज करें तो मुझे दिख रहा है बट ये कैमरे में नहीं आ रहा है। ये भी खराब है। पर आप यूज करके देखिए। फोर लिख के दिखा दीजिए सबको, 1 2 3 4 लिख के दिखा दीजिए। तो धीरे धीरे मैं वीडियो में बताऊंगी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है किड के लिए। हम हमेशा ऐसे व्लॉग्स के साथ आते हैं जिसमें आपके भी बेनिफिट हो और हमारा भी टाइम अच्छा एंगेज रहे। अच्छा, यहाँ भी हैप्पी हैप्पी आते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, ये क्या है? आज क्या है? प्रतीक डे। आज है 12th October। तो इससे बच्चा जो सीखेगा ना वो आपके साथ परफॉर्म करेगा, तो उनकी अटेंशन पे करेंगे कि हाँ टीचर बनेगा। हाँ टुडे, हाँ वो आज कौन सी डेट है? टुडे 12th October। एंड थर्सडे, मंडे, आज मंडे। अच्छा, ओके सॉरी। अच्छा आप सुना दो सबको मंडे ट्यूसडे। और इधर क्या होता? मैम मैम मुझे नहीं आता, आप मुझे मंडे ट्यूसडे सिखा दीजिए ना प्लीज। फ्राइडे उसके बाद होता है। अच्छा सुनाइए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। आज संडे, तो अभी आपने बोला मंडे और अभी आप संडे बोल रहे हो। अरे अरे वो बता रहा है। इतनी जल्दी डे चेंज हो जाता है क्या? बस बता रहा था मैं। अच्छा बस बता रहे थे आप, ओके। सो गेम में उसकी लर्निंग भी होगी और आपकी भी होगी और व्हाइट बोर्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। This is, अच्छा ये लिखा है आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ओके गॉट इट, ये वो बता रहा है, उसकी टीचर लिख के दिखाई होगी तो वो उसको उनको मतलब मैम को कॉपी कर रहा है। व्हाट इज दिस लेटर? सैटरडे। गुड, कितने देर बात करते हो। तो बच्चे की हैंड होल्डिंग भी अच्छी होती है और ब्रेन डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल होता है। ओके गाइस, आप
संडे लिखना भूल गए मम्मी। हैप्पी अब वन लिख के दिखाइए आप। आप इधर कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। अच्छा अब आयांश ड्राइंग करेंगे। आयांश आप नहीं, आप ड्राइंग करेंगे। मैम आप प्लीज मेरे लिए वो बना दो ना। अब मैम बोतल ड्रिंक करने के लिए बोलेंगी तो आप बोलना मेरी बोतल मेरी टेबल में। ओके ओके चलो बोतल बोतल ड्रिंक। ओके पैक से निकालो बोतल। मेरी मम्मा ने तो बोतल नहीं दी मैम। अरे बोलो बैग में दी थी। बैग में नहीं दी मैम बोतल मेरी मम्मा ने। और बोलो बैग भी नहीं दी। बैग भी नहीं दी मेरी मम्मा ने। बैग भी नहीं है आज मेरे पास। ओ वाओ मैम आप कितने अच्छे हो। इससे बोतल पी लो। थैंक यू मैम। अरे नकली का बोतल छोड़ी दे। थैंक यू। अरे अच्छी की असली की बोतल है। असली से पी रही हूँ मैं। थैंक यू मैम। ऐसे पी जाए। आपके ऐसे ही होता है स्कूल में। हाँ। तो बेबी स्कूल में बोतल नहीं लाते हैं। हाँ। सी नहीं सारे बच्चे लाते हैं। पे करेंगे ना स्कूल में तभी लर्निंग होगी। लाते हैं बोतल। हाँ तो आप टीचर को अच्छे से सुनते हो स्कूल में ना। क्योंकि उसे खुद टीचर बनना है परफॉर्म करना है तो वो अच्छे से सीखेगा। और इसके बोर्ड के काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है या कमेंट है तो प्लीज़ सजेशन बॉक्स को भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अभी आज फुल मस्ती में है। ओ ये तो बैग दी है मेरी मम्मा। तो आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा। सॉरी मैम आई फॉरगेट मैंने वही रख दिया था। बुक्स भी दी है मेरी मम्मा। यहाँ पे रखो बुक्स। ओके मैम यहाँ पे रखो। बस मैं आपको लाइव बता रही थी कि ऐसे मैं प्ले करती हूँ तो इसलिए मेरे को लगा कि आप यहाँ पे रखो। बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप चाहे गूगल में खुद सर्च कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स। ओके मैम आप तो स्पाइडर मैन है ना। हाँ आपकी आपकी मम्मा ने न्यू बोतल दी है। न्यू बोतल दी है मेरी मम्मा ने। ओ वाओ कल जब आप छोटे थे तब पापा ने आपके बस में घुमा दी। अच्छा मैम आपके मैम ने आपको 2-3 डेज पहले वो हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड बताया था ना। तो हेल्दी फूड क्या क्या होता है आप सबको बता दीजिए। अच्छा मेरे को बताइए बर्गर हेल्दी होता है कि अनहेल्दी। हाँ आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे पेन दो। ये लीजिए बर्गर क्रॉस है कि राइट है। बच्चा क्रॉस है। क्यों बर्गर जंक फूड है। हाँ ओके। और एप्पल अच्छा होता है। एप्पल ठीक है तो एप्पल हेल्दी फूड है। हाँ ओके। और चॉकलेट कैंडी क्रॉस ये अनहेल्दी है। नो क्रॉस। अच्छा मैम कैसे आपको एबीसीडी पढ़ाती है। ए बी सी डी ई एफ जी आप एक बार साथ में पढ़ के सुना। अभी अभी एबीसीडी लर्न नहीं करेंगे अभी। अच्छा अभी हेल्दी और अभी, अभी, अभी अच्छा सबको बता दो कम्युनिटी हेल्पर कौन कौन से होते हैं। नहीं अभी 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 कल होएगा वो। ओके ओके पर अभी कम्युनिटी हेल्पर की क्लास करते हैं प्लीज। वो फ्राइडे को आएगी। वो फ्राइडे करेंगे। हाँ। अच्छा नहीं पुलिस मैन कम्युनिटी हेल्पर होते हैं। अरे वो कल कराएंगे। अच्छा वो कल फ्राइडे को। अच्छा प्लीज मेरे को बता दीजिए ना मेरे को मेरी मम्मा पूछ रही थी पुलिस मैन कम्युनिटी हेल्पर होते हैं। अभी बोर्ड में देखूं मैम क्या बना रही है। हाँ इसमें कुछ है क्या। नहीं कुछ नहीं है। इसमें कुछ है क्या। नो कुछ नहीं है। वन एग। हाँ एग है। नहीं है। नहीं है ओके लेट देम प्ले। वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। उनकी हैंड होल्डिंग अच्छी होगी। वो हैंड होल्डिंग अच्छी होगी और उनकी राइटिंग स्किल भी होगी। उनके कमांड भी आएगा अपने अच्छे से। और हाँ इसमें एक एग है। वन एग है यस।
उनका नहीं मन है तो नहीं वो करिए, पर उनके साथ आप ऐसी पढ़ाई पढ़ाई में खेल लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ज्यादा बॉसी होंगे ना तो फिर बच्चे आपके साथ खेलेंगे नहीं और फिर वो कुछ भी लर्न नहीं करेंगे आपसे। तो लेट देम जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और जब आप सब कराना चाहोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसी हम और आयाश ऐसी गेम खेल रहे थे और खेलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप भी अपने किड्स के साथ खेल सकते हैं। और बस आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई रही हो तो कमेंट करिएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था, मिड ऑफ द वीडियो अभी बोल रही थी मैं, इतने में आयाश आ गया, मैं बिजी हो गई। तो टू है, 1 2 ना, यस। आयाश यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा, आपको दिख रहा हो शायद, इसमें थोड़ा लाइट दिख रहा है। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। और मैं पहले भी बीच में बोल रही थी, फिर आयाश आ गया तो मैं बिजी हो गई और हम फिर से गेम कंटिन्यू कर लिए। तो मैं इसके साथ गेम खेलने जा रही हूँ, ये मूड में गेम करने के लिए ही। ये पीछे से बोल भी रहा है, शायद आपको मेरी आवाज भी क्लियर नहीं जा रही होगी, बस मैं लाइव दिखा रही थी। ये 7, वाओ 7x। तो आपकी कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अदर मॉर्निंग सर, आप भी अपने किडोज के साथ खेलिए, एंजॉय करिए। अभी लंच टाइम हो गया, हम ऐसी कंटिन्यू रखेंगे ताकि हम आपस में ऐसी टाइम करते हैं। ओके मैं निकाल रही, अब मैं लंच करने जा रही हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने किडोज के साथ खेलिए। बाय बाय मैम, बाय करो। आप बोलो, आप बोलो, टेस्टी लंच।